क्या है? सत्ता के दबाव में काम करने वाला और सत्ता में सब बिक गया है, यूं कहें। धनबाद झरिया में बिगड़ती विधि व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी महिला नेत्री रागिनी सिंह ने प्रेस वार्ता कर वर्तमान सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही जिले में हो रही भ्रष्टाचार के खिलाफ झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह पर जमकर भड़ास निकालते हुए कहा कि 8 जनवरी को वर्तमान झरिया विधायक के देवर एकलव्य सिंह के द्वारा सोनू सिंह की हत्या करने के उद्देश्य से गोली मारी गई थी। नगर निगम में टेंडर डालने पहुंचे बाहर के 3 कंपनियों के प्रतिनिधियों को रघुकुल के गुर्गो द्वारा बंधक बनाया गया। यहां तक कि भौरा के एजे महाप्रबंधक पर हमला, सेना के जवान और उनके महिला परिजनों के साथ मारपीट, छेड़खानी रघुकुल के गुर्गो के द्वारा की गई। साथ ही झरिया क्षेत्र में कोयला लोहा चोरी के साथ साथ पीडीएस के चावलों की काला बाजारी लगातार जारी है। रागिनी सिंह ने कहा कि जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से पुलिस प्रशासन बिक चुकी है। प्रशासन की मिलीभगत से झरिया समेत पूरे क्षेत्र में कोयला लोहा बालू की लूट हो रही है। आवाज उठाने वालों पर रघुकुल के गुर्गो द्वारा जानलेवा हमला होने की बात सामने आती है। सेवा भाव करते हुए युवाओं को जोश करते हुए हमारे अध्यक्ष बड़े भाई सुजीत जी और सभी जगह भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को जागरूक रखने वाले और लगातार भारतीय जनता पार्टी की सेवा करने लगे हुए हमारे बड़े भाई अजय निषाद जी मंच पे बैठे हैं, हमारे उमेश यादव जी, बाबू जेना जी और सबसे उमंग भरने वाले हमारे तमाल जी जो बोलते हैं वैसे ही कोयलांचल में और खास करके झरिया में तो दरार है ही।